26वीं बटालियन में एक जवान द्वारा नशे की हालत में शासकीय कैंपस में हंगामा मचाने और उत्पात मचाने की घटना सामने आई है। बताया गया है कि जवान को हाल ही में सैलरी मिली थी और उसने अचानक शराब का सेवन कर लिया। इसके बाद बटालियन में कैंपस में हंगामा मचाया। दरअसल इस घटना की जानकारी जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को मिली तो जवान को अपने अंडर में लेकर सबसे पहले उसको समझाया, लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी तो जवान का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उक्त घटनाक्रम के दौरान आरक्षक अवधेश पावक ने मेडिकल कराने को लेकर धमकी भी दी कि अगर उसका कोई मेडिकल कराएगा तो उसको गोली से उड़ा दूंगा। उसका कहना है कि जब भी उसके हाथ में राइफल आएगी तो एक एक करके मारूंगा, जिसमें सबसे पहले प्रभारी 2IC और मेजर सहित अन्य कंपनी के लोग जो आगे आएगा उनको उड़ा दूंगा। ये मामला जब वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा तो उन्होंने प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय भेजा है। इसकी सूचना बटालियन के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई कि तत्पश्चात शासकीय कैंपस में हंगामा और बैरक में उत्पाद मचाने को लेकर जवान के विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की जा रही है और आगे की कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रकरण भेजा जा रहा है। हो गया ना, आए दिन चाहे जब इच्छा पड़ती तब घर चला जाता है। कहाँ, कौन से थाने का मामला है? कौन से थाने का? थाने में नहीं, मैं SF 26 बटालियन से हूँ। 26 बटालियन, जी ठीक है। और आज मेरी क्या है ना, थोड़ी सी मतलब मैं टेंशन में था तो उसकी क्या है ना मेडिकल रिपोर्ट यहाँ लगवा दी। किसकी मेडिकल? मेरी। तो ये गलत है क्या सही है? मेडिकल रिपोर्ट में क्या लगवा दिया, क्या पीड़ा है आपकी, क्या दिक्कत है? मेडिकल करवा दिया कि बोले ड्रंक ही है, दारू पी है, अब मुझे टेंशन है तो मैंने पी ली है। अच्छा, आपके परिवारी का क्या नाम है? नितिन सिंह अहिरवार। नितिन सिंह अहिरवार जी आपके परिवारी हैं? हाँ। तो वो आपसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है लेकिन क्या है ना आज बिगड़ गए। आपका नाम बता दीजिए। अवधेश कुमार पवैया। अवधेश कुमार पवैया जी, तो आपके स्टाफ का आरोप है कि आप ड्यूटी के दौरान ड्रिंक करे हुए हैं इसलिए मेडिकल कराए? ड्यूटी वूटी नहीं थी। ड्यूटी नहीं थी आपकी? हाँ, मैं तो फ्री माइंड था। ड्यूटी नहीं थी तो फिर आपके स्टाफ के जे जे तो गुंडागर्दी है। तो अभी आपको पुलिस वाले लेके आए आपको गुना हॉस्पिटल? हाँ, जे गुंडागर्दी है क्योंकि वो पावरफुल आदमी है, बड़े अधिकारी हैं, हम तो क्या छोटे मोटे अधिकारी हैं। भैया थोड़ा चले जाए। सर आरक्षक वाले में मामले में क्या कहेंगे? वर्तमान में सुबह पता चला मुझे कि नशे का सेवन किया हुआ है उसने। इस संबंध में तत्काल पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है जिसमें एक चार का गार्ड नियुक्त किया गया, जिसमें डी अफसर भी था हमारा और जो बटालियन के वरिष्ठ अधिकारी थे उनको इस संबंध में सूचना दी है कि संबंधित कर्मचारी नशे की हालत में बटालियन में घूम रहा है। तो इस संबंध में एक चारी गार्ड ने उसको पकड़ा, उसको शासकीय वाहन में जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण हेतु ले जाया गया जहाँ वह संबंधित द्वारा नरगल वार्तालाप किया गया। जिस संबंध में मीडिया को खबर मिली वो मीडिया मेरे पास आई। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है, मेडिकल प्रकरण उसका तैयार है और अधिकारियों का आदेश है और कि जो भी कठिन से कठिन सजा जो इस संबंध में शराब के सेवन के संबंध में हंगामा करने के संबंध में दी जा सकती है उस संबंध में सब लोग अग्रसर हैं और अग्रिम कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को सूचित कर रहे हैं। इस संबंध में कांस्टेबल 128 अवधेश कुमार द्वारा बोला गया कि जो भी मेरा मेडिकल कराएगा उसको मैं गोली से उड़ा दूंगा। कहने का मतलब कि जब भी मेरे हाथ में राइफल आएगी मैं एक एक करके मारूंगा, जिसमें प्रभारी को सबसे पहले, इसके बाद में जो 2IC है उसको, जो मेजर है, इसके अलावा जो भी कंपनी के समस्त बल है उसमें बोला गया कि यदि कभी मौका मिलेगा तो मैं सबको गोली से भून दूंगा। क्या नाम है आरक्षक का? आरक्षक का नाम 128 अवधेश पावक। तो इस संबंध में है ना उसका मेडिकल परीक्षण कराया, रिपोर्ट तैयार है, वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारी को भेजी जा रही है। इस संबंध में मैंने सूचना पूरे वरिष्ठ अधिकारी में दे दी गई है और अग्रिम कार्रवाई। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट।